आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे अलका तू ले जा आंटी को। अलका आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम एंड गुरु जी का लाख लाख शुक्राना जो आज उन्होंने फिर मेरे को मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। सो संगत जी, सत्संग कोई भी नया पुराना नहीं होता। कई लोगों ने सुना है, कई लोगों ने नहीं सुना है। सो ये हम जो गुरु जी ने हम पे कृपा कर रखी करी है, जो जो उन्होंने कल्याण किए हैं, हम उनका गुणगान करने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बार बार सत्संग रिपीट करते हो, वही वही। सो दिस इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग शो। ये हम गुरु जी की महिमा गाते हैं कि गुरु जी ने हमारे साथ क्या क्या कल्याण किए। गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब भी मेरे अंकल को जब भी हम जाते थे खड़ा करते थे और कहते थे चल भाई सुना अपने बारे च। सो अंकल हमेशा वही सत्संग रिपीट करते थे, कोई नई स्टोरी नहीं बनाते थे उसमें। तो मे बी इट्स एन आंसर जो मेरे क्वेश्चंस हैं, आज गुरुजी कृपा करें और बुलवाते वही हैं जो हम बोलना चाहते हैं वही बोल पाते हैं, जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं संगत जी हम वही बोल पाते हैं। एंड गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद एक और बात बोलूंगी, ये नहीं है कि गुरुजी के साथ अब हम गुरुजी की शरण में आएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या हमें कोई कष्ट नहीं आएंगे फिजिकल या कोई किसी भी तरह का। गुरुजी खुद कहते थे कि मेरे नाल जुड़न के बाद 90% कर्म मैं कटवा दांगा, 10% तानो कटने पैनगे वो भी ओके हो जाएंगे। सो ये जो हम इतनी तकलीफें जिंदगी में हर किसी को कुछ प्रॉब्लम है झेल रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर आ रही है हमें, दीज आर जस्ट 10%। एंड गुरु जी का शुक्राना जो उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, स्मूथली करवा देते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन ऐसे स्मूथली गुरु जी उनको क्लियर करा देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमें कुछ हुआ था। सो शुक्राना गुरु जी का हमें अपनी संगत बनाने के लिए। गुरु जी के दरबार तक हम खुद नहीं आते हैं, गुरु जी का बुलावा आता है। गुरु जी चाहते हैं हम तब भी वहीं तक पहुंच पाते हैं। गुरु जी का मंदिर हो, गुरु जी का सत्संग हो, घर पे सत्संग करना हो, हर चीज गुरु जी डिसाइड करते हैं, हम कुछ नहीं है डिसाइड करने के लिए। जहां हमारी सोच खत्म होती है गुरु जी की, उससे कितनी आगे चलती है। सो गुरु जी हमारे लिए कुछ भी सोचते हैं बहुत अच्छा सोचते हैं। एंड गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपने साथ जुड़वाने के लिए शुक्राना। एंड माय जर्नी, मैं अपनी जर्नी सुनाऊंगी गुरु जी के साथ हम कैसे जुड़े या गुरु जी ने हमें, हम नहीं जुड़े, गुरु जी ने हमें कैसे बुलाया अपने दर तक। हर किसी को किसी ना किसी ने जुड़ा होगा गुरु महाराज के साथ। और जनरली ऐसा होता था किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती थी इसीलिए गुरु जी के पास जाते थे सब लोग। तो हमने ऐसी इच्छा तो जाहिर नहीं करी थी। मेरे अंकल को 97 में हार्ट अटैक आया था। अंकल बरेली में पोस्टेड थे, ही वॉज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम। तो हमने कंपनी को रिक्वेस्ट करा कि हमारी ट्रांसफर करा दीजिए दिल्ली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे यहाँ दिल्ली रहते थे, आई बिलोंग टू दिल्ली। एंड मेरे मीन्स मुझे बच्चे छोटे थे तो उनकी हेल्प मिल जाएगी मेरे को। सो दिस इज व्हाट आई से, बट वो प्लानिंग हमारे गुरुजी की थी क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना था, इसलिए गुरुजी ने दिल्ली बुलाया हमको। सो मेरे अंकल की नोएडा ट्रांसफर हुई एंड हम 98 के करीब आए। तभी उन्हीं दिनों, कुछ दिनों के बाद मेरी आंटी हैं आशा आंटी, शी वाज वर्किंग विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो उनके घर गुरुजी ने आना था। गुरुजी ने क्या सी, आशा आंटी मैं तेरे घर आना है, तेरे घर नु ब्लेस करन। तो वो उनके घर को ब्लेस करने आए थे। एंड वी ऑल नो गुरुजी जब भी कहीं जाते थे अपनी संगत को साथ लेके जाते थे, सबको बोलते थे कि तूने भी आना, तूने भी आना, कई कई लोगों को साथ लेके जाते थे। सो आंटी ने हमें कहा, आंटी को पता था अंकल बीमार है, तो आंटी ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे हमारे गुरुजी आ रहे हैं, हम गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो आप आइए और हमारे गुरु महाराज से ब्लेसिंग्स लीजिए।
हम गए। अब जाने के बाद वी ऑल नो गुरु जी इज अंतर्यामी, ही नोस एवरीथिंग, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अंकल ने माथा टेका, गुरु जी ने क्या है, कल एक ओम से लोटा लेके अंपायर स्टेट आ गई, के उनको बोला कि लोटे का जल जो है आप रात को भर के सोना है, सुबह उसको पी लेना है, और बाकी दा जितना पी सकते हो पी लेना, बाकी ना आंधी पट छुपा लेना, और बाकी बोला कि ओम को गले में पहन लो। तो मेरे अंकल ने आज भी एक चेन में ओम पहन रखा है और लोटे का जल आज भी पीते हैं वो। उसके बाद अंकल घर आ गए, कभी नहीं सोचा कि मैं दोबारा आऊंगा यहाँ। विचार भी गुरु महाराज खुद ही उत्पन्न करते हैं, बुलावा भी उनका होता है, तब भी हम पहुंच सकते हैं। लेकिन गुरु जी हमेशा कहते थे, हर किसी को कहते थे वो, आयो ते आंधे रहा करो। मेरे अंकल को भी बोला था, आयो आंधे रहा करो। सो जैसे ही नेक्स्ट वीकेंड आया तो अंकल के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि चलो गुरु जी के मंदिर चलते हैं। अंकल को भी वहां बहुत अच्छा लगा था, उनका कुछ भी है वो बहुत अच्छी जगह है, चलो अब मैं तुम्हें लेके चलूं। गुरु जी के दरबार का अपना ही ऑरा होता था, बहुत सुंदर भव्य दरबार, और गुरु जी के साथ हम लोग आंख मिला नहीं सकते थे, इतना तेज होता था गुरु जी के माथे पे। हम लोग को लेके गए, छोटे बच्चे और बीमार लोग, बहुत बूढ़े लोग अलाउड मींस नहीं थे। गुरु जी कहते थे कर दाई के भी बंदा आ जाएगा, कानू ब्लेसिंग्स, पूरे कानू ब्लेसिंग्स, और जो बीमार बूढ़े और बच्चे हैं छोटे, उन्होंने घर में बैठे ही उनको ब्लेसिंग्स दी। तो लेकिन मेरे बच्चे थोड़े बड़े थे, मेरे दो बेटे हैं, वन सन वॉज एक 10 साल का था, एक 13 साल का था। तो हम लोग बच्चों को लेके गए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा वहां जाके, इतना अच्छा लगा कि देन वी डिसाइडेड, एवरी वीक बच्चे कहते थे चलो गुरु जी के चलें। हम लोग, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हमने गुरु जी के दरबार में वन सभी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई वाले थे तो ज्यादा नहीं जा पाते थे, हफ्ते में एक बार ही, वीकेंड में किसी भी दिन, कोई फिक्स डे नहीं था हमारा। सो वी यूज्ड टू गो टू गुरु महाराज दरबार, एंड गुरु जी खूब भर भर के, एक वो दरबार देखा संगत जी जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था, गुरु जी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, सिर्फ भर भर की ब्लेसिंग्स दी और भर भर के लंगर प्रसाद खिलाया हमें, और उस लंगर प्रसाद से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, उसी में सारी पावर्स हैं गुरु जी की। आज भी हम जो लंगर हमें मिलता है, सारी पावर्स उसी में है। एंड ऐसे ही हम जाके बैठते थे, कई चीजें मीन्स हमने वहां देखी, एंड जब मनुष्य रूप में गुरु जी थे तो कई बारी ऐसी होता था कि गुरुजी कभी भी व्याख्यान नहीं देते थे, इसलिए गुरुजी किसी न किसी को खड़ा करते थे, बीस दस तेर नल की होया। सत्संग का मतलब यही है कि गुरु के बारे में बताओ, क्योंकि गुरुजी खुद तो बोलते नहीं थे कुछ भी। ऐसे ही मेरे अंकल को 3-4 हफ्ते रेगुलरली अंकल की शुगर वगैरह कंट्रोल कराई गुरुजी ने। गुरुजी ने खूब मिठाई खिलाई, एक दिन मेरे अंकल को 4 जलेबियां दी बड़ी बड़ी, इशारा किया बुलाया जलेबी दे दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं से समोसे आए तो समोसे मुट्ठी भर के 2-3 समोसे दे दिए, फिर उसके बाद हलवा प्रसाद दे दिया, फिर लंगर खाया, और हमारे मन में विचार हो रहे थे उत्पन्न के वो इतनी शुगर उनकी बढ़ जाएगी कि अब क्या करेंगे, हम घर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। और गुरु जी, हमको लगता था कि गुरु जी को पता नहीं है कि अंकल को शुगर है और शुगर बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हमने आज्ञा लेने की माथा टेका, तो गुरु जी को पता था हमारे दिमाग में उल्टी उल्टा था ना दिमाग चल रहा हमारा, तो क्या चल रहा है, उन्होंने कहा मेरे अंकल को सवेरे शुगर चेक करके दसी अगली बार किन्नी सी। अंकल ऐसे करके, गुरु जी को कैसे पता कि हम शुगर के बारे में सोच रहे हैं। सो संगत जी, हमने अगले दिन सुबह जब शुगर चेक करी तो अंकल की शुगर नॉर्मल थी, दिस वॉज हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट, वो मेरे अंकल की शुगर ठीक कर रहे थे। तो अंकल हर बार खड़े होके सब सत्संग सुनाते थे, तो अंकल को लगा कि गुरु जी रोज खड़ा कर देते हैं और मैं वही वही रिपीट करता हूँ, तो उनको थोड़ा ऑड लगने लगा। तो वो जाके ना एक दिन नीचे जाके छुप के बैठ जाते थे। अब हम क्या जाने कि गुरु जी अंतर्यामी है, हमने वो सोचते थे कि गुरु जी नहीं देख रहे हैं, पर गुरु जी को तो सब पता होता था।
गुरुजी ना हम लोग नोएडा से आते थे तो गुरुजी नोएडा वाला बुलाते थे अंकल को, तो कहते वो देख नोएडा वाला बैठा इधर आ, इशारा करके चल सुना सब सुन सुनाते थे। तो मैं ये इसलिए सुना रही हूँ कि सत्संग वो बार बार वही सत्संग सुनाया करते थे। So, उसके बाद फिर एक दो इंस्टेंसेस और सुनाती हूँ कि मैंने देखा है कि आजकल जो सत्संग हो रहे हैं ना, आधे लोग कहते हैं जी हम चाय नहीं पीते हैं, प्रसाद उठा के पर्स में डाल के ले जाते हैं, मिठाई आती है तो उसको कहते हैं हमें शुगर है। तो संगत जी, जो हम गुरु जी हर सत्संग में विराजमान होते हैं अपनी गद्दी पे, हमें कुछ भी प्रसाद मिलता है वो गुरु जी का डिवाइन प्रसाद समझिए उसको, बहुत प्रेशियस है वो। वही खाइए। मिठाई खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ती है गुरु जी के पास बैठे होने के। हाँ गुरु जी कहते थे ऐथे खाओगे तो दबाइए, कार लेके जाओगे तो मिठाई है। और आपको प्रसाद मिलता है तो वो आप, आपके हस्बैंड को मिलता तो वो उनका, बच्चों को मिलता तो वो उनका, अपना प्रसाद खुद खाइए, शेयर नहीं करिए, बचा बचा के नहीं ले जाइए। मैंने मैंने मंदिर में भी देखा बड़े मंदिर में लोग आते हैं आधा प्रसाद खा लिया आधा घर जाके सब मुंह लगाएंगे, ऐसे नहीं होता गुरु महाराज के दरबार में। वो आपका लंगर प्रसाद है आप खाइए, अगर कोई बहुत बीमार है तो उस उसके लिए मांग सकते हो गुरु जी की मर्जी होगी तो जरूर आपको दिलवाएंगे घर ले जाने के लिए। गुरु जी फिजिकल फॉर्म में भी कहीं मेरे कहते थे कोई बीमार है तो जा तेरे भरा वास्ते तेरी भैन वास्ते या तेरी माँ वास्ते मैं उते रोटी रखी है वो ले जाओ उन्होंने खिलाएं, क्योंकि गुरु जी को पता होता था कि फना फला आदमी बीमार है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गुरु जी की मौज होती थी, गुरु जी ने उठ के एक आंटी की प्लेट में रेंडमली, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने देखा मतलब एक्सपीरियंस किया, दो तीन रोटी प्रसाद उठाई और उस आंटी को प्लेट में ऐसे दे दी कि ले आंटी खा, सब लोग खा रहे थे वो आंटी के हाथ में। अब आंटी से खाई नहीं गई तीन रोटी, आंटी ने दो रोटियां खाई, तीसरी रोटी लपेट के अपने पर्स में रख दी, तो उसके बाद वो घर चली गई। जब अगली बारी वो आई तो जैसे ही एंटर करी तो गुरुजी ने बोला आंटी इधर आ, आंटी आई तो आंटी को बोले आंटी फिर तेरे गोटे की था, बोले गुरुजी, गुरुजी को बोले गुरुजी 85-90% घुटने ठीक हो गया मेरे, थोड़ी सी दर्द बाकी है। तो गुरु जी ने सीधा एक ही बात बोली, कहते हैं रोटी भी लेट के पर्स चपा के ला जाएंगी तो घुटने की तो ठीक होंगे। ऐसे थे गुरु जी हमारे। गुरु जी का प्रसाद जो होता है आप मैंने देखा आजकल बहुत हैवी प्रसाद मिलना शुरू हो गया है। हाँ कई बार नहीं खाया जाता तो आप बोल सकते हो सेवादार को कि हमें कम दे दो, लेकिन वही खा के आइए। और जल पानी नहीं है गुरु जी का जल प्रसाद मिलता, वो जल प्रसाद है वो भी बॉटल्स, प्लीज संगत जी वहां इधर उधर फेंक कर नहीं आई है, उसको जितना पी सकते पी लीजिए बाकी अपने साथ रखिए, उसको फेंकिए नहीं। उसके बाद ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। और एक बारी मेरे अंकल के बुआ जी के हस्बैंड थे वो बहुत बीमार थे, उनको कैंसर था। हाँ मेरे को कई लोगों ने पूछा कि आंटी आपको तो गुरुजी ने ठीक कर दिया, हमारे तो जिस जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है उनको ठीक नहीं किया। देखिए हर किसी के कर्मा अपने हैं, मेरे अपने हैं, मेरे हस्बैंड के अपने हैं, मेरे बच्चों के अपने हैं, सो जिनके कर्म मीन्स गुरु जी कर सकते हैं उनको ही मिलेगी लाइफ, उनके कर्म कटवाएंगे, जिन जिनकी लाइफ नहीं है तो वो ये थोड़ी है एक के साथ दूसरे का मुकाबला नहीं है। तो गुरु जी के साथ ना मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए हमको कि जी उसका तो हो गया हमारा नहीं करा गुरु जी ने, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। हम जाते थे गुरु महाराज के वहां और आते समय आज्ञा लिया करते थे। एक दिन हम आज्ञा लेने लगे तो कभी तो गुरु जी कहते थे चलो 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 करा लो आज्ञा है क्योंकि देर हो गई है आप घर जाओ, लेकिन कभी कभी हमें कहते थे नहीं अभी नहीं जाना है, क्योंकि गुरु जी को पता होता था कि आगे इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो थोड़ी देर बिठा लेते थे खड़ी ठीक नहीं है। एंड जब गुरु जी को लगता था कि अब रास्ता क्लियर है तो वो कहते थे अच्छा हूं जाओ आ गया, अपने घर आ जाते थे। ऐसे ही गुरु महाराज ने एक दिन हमें कहा कि नहीं आज्ञा नहीं है आपको,
अभी नहीं जाना है, हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो बड़े मंदिर गए और उन दिनों बहुत डार्क होता था। बड़े मंदिर का रास्ता ना बहुत लोनली सा एरिया था। तो गुरुजी की गाड़ी आगे आगे हम लोग के पीछे पीछे। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो गुरुजी ने रैंडमली चार पांच आंटियों को बुलाया, इशारा करके कि तू भी आ जा, ऐसे इशारा किया आ जाओ। हम लोग आई वॉज वन ऑफ देम, चार पांच आंटियों को बुलाया और हमें मंदिर दिखाने गए। तो पहले तो उन्होंने मंदिर दिखाया कि देखो ये इतना ग्रीनरी है, बहुत अच्छे प्लांट्स होंगे, हाथ लगाया पत्तियां बोला नहीं है तेरी एक एक पत्ती बोलूंगी। फिर आगे गए मंदिर के अंदर एंटर किया, देन ही शोड अस द शिवलिंग, बोले देखो मैं कितना सोना इतना पावरफुल मंदिर बनाया है, इतने में असी 12 ज्योतिर्लिंगा का सार है, इतने आने तो बाद किधरे और जान की लोड़ नहीं। और गुरु जी के हमेशा कहा स्टिक टू वन, संगत जी भटके नहीं इधर उधर, हम सब कुछ कर रहे हैं। मैंने बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखा, मैं गई थी वहां सब कुछ हो रहा है गुरु जी के दरबार में, तो जस्ट स्टिक टू गुरु जी एंड फॉलो गुरु जी एंड करके देखो गुरु जी क्या 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 करते हैं। देखो सारे एक बार ही गुरु जी को फॉलो करो, प्रॉपरली करो, गुरु जी की बातें मानो। एंड उसके बाद फिर हम लोग उन्होंने बोला 12 ज्योतिर्लिंगा का सार पाया और एदे अग्गो भी जो लंग जाएगा ओनु ब्लेसिंग्स। सो संगत जी वी हैव सीन इन दिस पैंडमिक कि जो गुरु जी के मंदिर बाहर से ही हम लोग माथा टेक कर आते थे और सामने खूब भर भर के ब्लेसिंग्स लिए बाहर से। और उसके बाद फिर गुरु जी के हॉल के बाद लेफ्ट साइड पे एक रूम है जहाँ उनके चोले डिस्प्लेड है, बेड्स है। गुरु जी ने कहा कि एथे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे अंकला न पाऊंगा तो एक पासे आंटिया न पाऊंगा। और बैकयार्ड दिखाया, उसके बाद हमें आज्ञा दे दी। अब हमको नहीं पता, मुझे संगत जी हम देयर वाज नो सोशलाइजिंग देन, हम किसी को नाम से नहीं जानते थे, किसी के फोन नंबर्स नहीं होते थे, मुझे नहीं मालूम वो बाकी की आंटियां कौन थी, आज भी मुझे याद नहीं। उसके बाद हो सकता है जो प्रॉब्लम्स मुझे आई उन आंटियों को भी आई हो, इसीलिए गुरुजी ने हम सबको पिक करा और हमें दिखाया। आज भी मैं जाती हूँ तो मैं वहां जरूर माथा टेकती हूँ और कहती हूँ गुरुजी मैंने ठीक किया, बाकियां दे भी सब प्रॉब्लम सॉल्व करो। सो गुरुजी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड उसके बाद हम लोग घर आ गए। 2003 में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब हम गुरु जी के मंदिर नहीं जाएंगे, हम घर से ही उनकी प्रेयर करेंगे। सो मंदिर में दी हुई उनके हाथ की स्वरूप थे हमारे पास जिसपे गुरु जी लिख के देते थे। एक दिन बैठ के उन्होंने मेरे अंकल को कई स्वरूप, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके साइन कर करके उनको काफी 5-7 स्वरूप दे दिए अपने लेना है। और बच्चों ने गले में लैमिनेटेड छोटे छोटे पहने हुए थे, वो भी काले धागे में पहनते थे। एंड वो मेरे पास आज भी है, बड़े में छोटे छोटे भी बड़े भी। हमने सब था, अंकल लोटे का जल पीते थे, अंकल ने ओम पहन रखा था। हाँ एक मेरे अंकल को गुरु जी ने कड़ा बनाया था, तो अंकल बहुत बीमार रहते थे, अभी भी बीमार था। लेकिन तो जब इंसान बीमार होता है तो थोड़ा सा मींस चिड़चिड़ा होकर गुस्सा करता है। तो एक दिन गुरु जी को माथा टेका तो गुरु जी कहते ओए आंटी तू बहुत गुस्सा करता, एक कड़ा ले। तो उन्होंने बोला कि अच्छा गुरु जी समझ नहीं आई, हमने सोचा कड़ा प्रसाद मांग रहे हैं, मंगवा रहे हैं गुरु जी। तो किसी ने कहा नहीं चांदी का कड़ा कह रहे हैं आप ले आना। तो फिर गुरु जी ने वो चांदी का कड़ा मेरे अंकल को ब्लेस करके पहनाया, वो भी अंकल ने पहन रखा आज तक। एंड मेरे को याद है, और अंकल भी अब हंसते हैं, तब तो हमें मालूम नहीं था ना। तो वो मेरी कजन भी गुरु जी के पास बैठी होती थी आशान जी, तो गुरु अंकल ने सोचा, मुझे बोला घर जाके कि तेरी दीदी ने बोला होगा कि मैं तेरे को गुस्सा करता हूँ या तूने शिकायत लगाई होगी गुरु जी को। तो गुरु जी को तो बताने की कुछ जरूरत ही नहीं थी, गुरु जी सब जानते थे। तो अंकल को फिर उन्होंने कड़ा पहनाया और अंकल उसके बाद शांत हुए कुछ। सो हाँ हमने 2003 में
जाना बंद कर दिया गुरु महाराज के मंदिर, बाकी सब कुछ कंटिन्यू था। 2004 में हमारी ट्रांसफर हो जाती है एंड वी गो टू केरला। केरला जाते हैं, लेकिन देखो संगत जी, हम लोग गुरु महाराज के वहां जाना बंद कर दिया, पर गुरु जी एक बार ये हमारे हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो वो हमें कभी भी छोड़ते नहीं है हमारा हाथ, है ना। गुरु जी हमारा 24/7 ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो कहते थे तुम्हारे पास तो कई ऑप्शंस है, मेरे पास क्या ऑप्शन है। गुरु जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार ही अपनी चरण में ली है, ही कांट ली बस। वो इतने प्यारे हैं, सिर्फ प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं और श्रद्धा मांगते हैं। ही डजंट वांट एनीथिंग एनीथिंग फ्रॉम अस। उसके बाद फिर वहां भी हम लोग केरला में भी गए, वहां भी बहुत बड़ा सत्संग है मेरे, मतलब हम सोचते थे कि हमारे साथ बुरा हो गया, हम नॉर्थ इंडियन से हमें साउथ भेज दिया, शायद कुछ गलती हो गई हमसे जो हमें वहां भेज दिया गया। नहीं संगत जी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा गुरु जी का मकसद था हमें भेजने का, डिटैच करने का, क्योंकि मेरा बेटा था जो छोटा वो यहाँ पढ़ता नहीं था। हम लोग बीपीसीएल कॉम्प्लेक्स में रहते थे, हर वक्त गेम्स हैं, ये ऑलवेज वॉन्टेड टू डू डांस करेगा, ड्रामा करेगा, गेम्स करेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, वो अपनी बुक खोलता ही नहीं था बिल्कुल। सो जब हम केरला गए तो वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वहां सब बच्चे मलयालम में पढ़ते थे, ठीक है, तो वो स्कूल जाता था, टीचर भी आती थी, अकाउंटेंसी भी मलयालम में पढ़ा के चली जाती थी, फिर बेचारा बाद में जाके पूछता था कि मैम मुझे समझ नहीं आया, तो फिर वो उसको समझाती थी सब, एंड फिर जबकि समझ नहीं आता था फिर घर आके अपनी बुक्स खोलता था। अब बुक्स कभी खोलता ही नहीं था पहले, फ्रेंड्स भी नहीं थे उसके, नो फ्रेंड्स, अगर कोई फ्रेंड मिलता भी था तो मलयालम में बोलता था, उसको मलयालम आती नहीं थी। एंड उसके बाद फिर उसने घर आके टीवी देखता, कितना टीवी देख लेगा बच्चा, उन दिनों ये केबल ये सब नहीं हुआ करता थे, नेटफ्लिक्स वगैरह और ये सब, तो टीवी ज्यादा नहीं देख पाता था। उसने बुक खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी फर्स्ट पेटीएम पीटीएम मीटिंग हुई तो मुझे बोला कि मम्मी आप मेरी पीटीएम में आएंगे लेकिन आप मेरी मैम को मेरे बारे में कुछ नहीं कहें। तो संगत जी, एज आई एंटर स्कूल फॉर हिज फर्स्ट पीटीएम, पहले तो मैं एंटर करी तो उस बच्चे को सारे स्कूल के लोग जानते थे, और हम लोग नॉर्थ इंडियन से साउथ इंडियन से थोड़ा लोक वाइज डिफरेंट होते हैं, तो एवरीबडी न्यू कि सौरभ की मम्मी आ गई। पहले मैं जाती थी उसकी क्लास में यहाँ नोएडा में, तो वो कहती थी वेरी वेरी नॉटी बॉय, वेरी इन अटेंटिव इन क्लास, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, ये पास भी होगा कि नहीं। तो उस बच्चे का ट्रांसफॉर्मेशन जो गुरुजी ने कराया मैं वो बता रही। यहाँ गई तो मैं जैसी क्लास में एंटर हुई, टीचर ने हटके मेरे को चेयर ऑफर करी और मुझे बिठाया जैसे कोई बहुत वीआईपी आता है। मैं ऐसे अभी शॉक टू सी द वहां का माहौल जो था। फिर उसने मेरे को बोला कि योर चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट। तो मैं 2 मिनट तो मेरा सिर घुमाए कि ये क्या कह रही है, क्योंकि वहां जाती थी तो डांट खाती थी टीचर से कि ये पढ़ता नहीं है। और उसने बोला, और सौरभ मेरा बेटा जो है वो मुंह पे उंगली रख रहा था कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। उसने मेरे को बोला कि बहुत इंटेलिजेंट है आपका बच्चा, और जो लड़की है एक क्लास में जो फर्स्ट आती है, मैंने उसको कहा है कि एक बच्चा आया नॉर्थ से, ही इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स दिस ईयर। तो मैं हैरान हो गई, कहता ये बच्चा अकाउंटेंसी में इतना अच्छा है कि ये इस पर टॉप करे, मतलब मैं हैरान हो रही थी कि हुआ क्या ऑल ऑफ अ सडन 11th तक बच्चा ऐसा है, और 12वीं में आके एकदम बच्चे को गुरुजी ने चेंज कर दिया, द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज दिस थिंग। सो हमें साउथ ले जाने का मकसद ये था गुरुजी। अब वहां साउथ गए हम, उसके बाद फिर संगत जी जब उसका रिजल्ट आया, जब उसके फाइनल एग्जाम्स हो गए 12th के, तो उसके मेरे अंकल पूछने लगे से पापा कि बेटा तू पास हो जाएगा, एंड वो हंसता होता था। जब रिजल्ट आया तो वी सॉ कि रियली अकाउंटेंसी में उसके 98.8 मार्क्स थे, 98 पॉइंट कुछ मार्क्स थे उसके, सो ही रियली टॉप इन अकाउंटेंसी। सो संगत जी, जो बच्चा अकाउंटेंसी में टॉप करता है वो नालायक तो नहीं है, बस वो
उसको अंदर से रियलाइजेशन नहीं थी कि मेरा दिमाग है और मैं पढ़ सकता हूँ। वो दूसरी तरफ भटक रहा था बच्चा, गेम्स में, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में, ही वॉज इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स। सो गुरुजी ने उसको एहसास दिलवाया कि नहीं, तू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। उसके बाद फिर उसको वो जागा, सो देन ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, केम बैक टू दिल्ली कि मैंने यहाँ साउथ में नहीं पढ़ना कॉलेज। देन उसके बाद ही वेंट टू सिडनी, उसने सिडनी की बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी करी। फिर उसके बाद उसने सीपीए करी, सो ही इज अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट नाउ, मीन सी, जैसे यहाँ सीए बोलते हैं, ही इज अ सीपीए देयर एंड ही इज डूइंग सो वेल। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने कैसे उसका टर्न करा बच्चे को। सो गुरुजी पहले तो हेल्प देते हैं ना, उसके बाद सब कुछ देखते हैं हमारा सब कुछ, हमें उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद संगत जी 2007 में पता चला गुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया। सो मैंने बोला ना, बिना बुलावे के हम नहीं आ सकते, चोला छोड़ हम लोग नहीं आए साथ में क्योंकि हमें बुलावा नहीं था, सॉरी गुरु जी। उसके बाद फिर 2009 में मेरे अंकल की दोबारा ट्रांसफर हुई, केम बैक टू दिल्ली और फिर से नोएडा में अंकल की पोस्टिंग थी। एंड नाउ वी हैड अ हाउस इन गुड़गांव, सो वी थॉट के हम अंकल को 2-3 साल रह गए थे, अंकल 3-4 साल रह गए थे रिटायरमेंट पे, तो अंकल ने कहा अभी हम वहां रहेंगे फिर जाके 2 साल बाद शिफ्ट करेंगे, तो ऐसे है कि हम अभी अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे रोक के वो क्यों शिफ्ट कराया गुरुजी ने हमें, क्योंकि गुरुजी ने फिर हमको बुलाना था गुड़गांव से, एंड गुड़गांव वी नो, एवरीबडी नोज, गुरुजी कहते सी गुड़गांव में रहो, गुड़गांव में ब्लेस कितना है, एंड वी ऑल नो कि गुड़गांव का नाम भी अब गुरुग्राम बन गया है। एंड हम गुड़गांव आते हैं 2009 में, 2010 में गुरुजी एक आंटी को मेरे पास भेजते हैं, वो आके गुरुजी के बारे में मेरे को इंट्रोडक्शन देती है, इंट्रोड्यूस करती है गुरुजी को कि एक ना आंटी गुरुजी हैं, मैं वहां जाती हूँ भाटी माइंस के पास, उनका मंदिर है। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दी और मैं अपने मंदिर में गुरुजी की फोटो थी, हम लोग फोटो ही बोलते थे पहले, वो उठा के लाई मैं, मैंने कहा ये वाले गुरुजी, बोली हाँ हाउ डू यू नो। सो बस गुरुजी की जो सत्संग कहते हैं बातें शुरू हो गई, मैंने बहुत कुछ बताया गुरुजी के बारे में, सत्संग तो इतने हैं कि सारा दिन सारी रात बोलते रहे तो हम चुप मतलब खत्म नहीं होंगे, बहुत बताया मैंने गुरुजी के बारे में। देन आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने कहा विल यू टेक मी अलोंग टू गुरुजी मंदिर, क्योंकि गुड़गांव से मेरे को रास्ता नहीं आता था, मेरे अंकल रोज नोएडा चले जाते थे ऑफिस, यहाँ से कम्यूट करते थे। तो शी वॉज उस द पर्सन हु टुक मी अगेन फॉर माई सेकेंड जर्नी। तो उसके बाद मैंने अंकल को बोला गुरु जी के मंदिर चले, उन्होंने भी मना नहीं किया क्योंकि गुरु जी का बुलावा था, बिना बुलावे के हम नहीं जा सकते और बुलावा आया तो हम रुक नहीं सकते। सो आ सेकेंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड और हम गुरु महाराज के मंदिर जाना शुरू करा हमने दोबारा। फिर संगत जी उसके बाद हम 2010 में जाना शुरू करा, 2012 में सितंबर में मैं सिडनी गई हुई थी, वहां मेरे को एक लो मेरे दो बेटे हैं दोनों सिडनी में सेटल्ड, तो सिडनी में बच्चे थे दोनों और वहां मेरे को हमने वापस आने वाले थे हम इंडिया, हमारा वहां का स्टे खत्म हो गया था, एक हफ्ता रह गया था। तो मेरे को एक अजीब सी पेन लोअर एब्डोमेन में उठी, तो मैंने सबसे बात करी तो उन्होंने कहा चलो मम्मी आप जा ही रहे हो दिल्ली, हफ्ता तो रह गया, आप दिल्ली जाके टेस्ट कराना। सो मैंने दिल्ली आके अपने जब टेस्ट कराया तो मेरे को फोर्थ स्टेज ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका था, इट वाज एन ओवेरियन कैंसर, लंग्स और लिवर भी इफेक्ट हो चुके थे, एंड सब डॉक्टर्स को यहाँ 3-4 हॉस्पिटल्स में दिखाया, सबसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओपिनियन ली डॉक्टर्स से, सब ने यही कहा कि नो यू आर नॉट गोइंग टू लिव मोर देन 6 मंथ्स, इससे ज्यादा आपकी लाइफ हो ही नहीं सकती। बट संगत जी मुझे विश्वास और सरेंडर और एक वो होती है ना, वो गुरु जी खुद ही पैदा करते हैं, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड जो मैं मानती हूँ। मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया था और मैंने कहा मेरे गुरु जी हैं, मुझे कुछ नहीं होना। सो व्हेन वी से द वर्ड सरेंडर, कि गुरु जी पे सरेंडर कर दो, जो मेरे को सरेंडर की बात समझ आई और जो मैंने फॉलो करी,
अपने आप को गुरु जी को दे दिया, आपने एक गिफ्ट ली, किसी को गिफ्ट दे दी, वो गिफ्ट उसकी हो गई, आपने अपने आप को गुरु जी को दे दिया कि गुरु जी हम तो अब गुरु जी वाले बन गए, सो देन आपका तो रहा, आप अपने तो रहे नहीं, आप तो गुरु जी के हो गए, हो गए, आप गुरु जी पे छोड़ दीजिए ना, गुरु जी आपको कैसे हैंडल करते हैं, वो तो गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी जो चाहेंगे वही करेंगे। तो गुरु जी ने फिर पूरा ध्यान रखा मेरा, मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, कीमोथेरेपी करा के मैं लंगर खाने जाती थी गुरु जी के मंदिर, और गुरु जी से कहती थी, उस रूम में माथा देखती थी मैं जाके, और कहती थी गुरु जी हूं तुसी करना सब कुछ, और ऐ मैं कीमो कराना अच्छे आई है, मेरी असली कीमो थेरेपी हो गई। एंड फिर आफ्टर 3 months ऑफ माई कीमोथेरेपी एंड हैविंग लंगर प्रसाद ऑफ गुरु महाराज मंदिर, जब डॉक्टर्स ने मेरा पेट स्कैन किया तो वो लोग, उन्होंने कहा मैम आप अपने कपड़े चेंज मत करिएगा, एंड सो मेनी 2-3 डॉक्टर्स की टीम्स आई एंड दे वर डिस्कसिंग समथिंग। दूसरी बार टेस्ट किया मेरा, मतलब 2 बार दूसरी बार टेस्ट किए गए मेरे, तो उसके बाद अंदर बुला के कहा कि मैम जो आपका हमने पोस्ट स्टेज कैंसर कहा था, पूरे लंग्स और लिवर इफेक्टेड, वी आर शॉक्ड टू सी योर रिपोर्ट्स, आपका वो कैंसर के सेल्स गए कहाँ, हमें एक भी सेल दिख नहीं रहा, ये कैसे पॉसिबल। तो मैं और मेरे साथ मीनाक्षी आंटी है वो थी, वो ही जाती होती थी मेरी कीमोथेरेपी कराने, एंड संगत जी ये भी बात बिल्कुल सच है, किसी ने काम नहीं आना, सिर्फ गुरु की संगत काम आती है मेरे, तो ना माँ ना भाई ना बहन ना कोई भी नहीं आना, बच्चे रहते ही बात है, लेकिन गुरु जी इतनी प्यारी संगत हमारे लिए छोड़ते गए हैं, बिल्कुल सच है ये। मेरे को तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई है मैं एक फोन करती हूँ सारे लोग आ जाते हैं, इतनी प्यारे भाई बहन गुरु जी ने दी, सब इंस्टेंट एकदम खड़े हो जाते हैं आपके साथ। एंड उसके बाद फिर मेरा, लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि हम इन चीजों को बिलीव नहीं करते, मैंने बोला हमारे गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है, वो कहते हैं कि ठीक है आपका विश्वास है, लेकिन हम पूरा हर हर डिजीज का एक कोर्स होता है, इसका भी एक कोर्स होता है, तो उन्होंने 1 महीने के बाद मेरी बहुत बड़ी एक सर्जरी करी, उसके बाद 3 महीनों की कीमोथेरेपी और थी मुझे, आई वॉज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कीमो, एंड माई लास्ट कीमोथेरेपी वॉज जुलाई 2013 एंड नाउ इट्स 2023, सो 10 साल हो गए हो चुके हैं मेरे को। उसके बाद मेरे क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली एंड देन 1.5 ईयर में एक बारी टेस्ट होते थे पेट स्कैन्स मेरे, कभी भी डॉक्टर्स ने कहा था 99.9% रीऑकर होता है ये कैंसर, लेकिन संगत जी मेरी रिपोर्ट्स हमेशा क्लियर निकली, एंड लास्ट पेट स्कैन मेरा 2018 जनवरी में हुआ था, एंड उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। मैं कोई भी कैंसर की दवाई नहीं खाती हूँ, जनरल मेडिसिन जो चलती हैं, थायराइड है या और कुछ प्रॉब्लम है उसकी जरूर खाती हूँ, लेकिन कैंसर से संबंधित कुछ भी नहीं खाती हूँ। सो गुरु जी ऐसे कैंसर मेरा ठीक कर दिया, गुरु जी का शुक्राना। हाँ कई लोग ये कहते हैं कि देखो गुरु जी ने आपको ठीक कर दिया, हमें तो नहीं किया, हमारे तो फलाने को नहीं किया, तो संगत जी उसके लिए मैं बताती हूँ कि एक बारी मैं बता रही थी फिर वो मिस हो गया। गुरु जी के होते हुए मेरी हस्बैंड के बुआ जी के बुआ के हस्बैंड को कैंसर हुआ था, तो हमने उनको बोला हम आपको गुरु जी के पास लेके चलते, हमारे गुरु जी सबके कैंसर ठीक कर, तो हम जैसे ही वो अंकल को लेके गए उस दिन गुरु जी थर्सडे कहते थे गुरु जी नहीं मिले, दरवाजे बंद थे मंदिर के, उन्होंने बाहर से कह दिया हमें आई डोंट नो गुरु जी क्यों नहीं मिलना चाहते थे उन अंकल, तो हम लोग मायूस होके घर वापस आ गए। उसके बाद हमने वो अंकल की फोटो दिखा गुरु जी के पास गए और उनको दिखाया कि गुरु जी ये साढ़े अंकल का लाइसिस रह के कैंसर हो गया, गुरु जी ने वो अंकल की फोटो लेके उसको पलट दी और अपने पास से एक अपना स्वरूप निकाल के वो अंकल के लिए दे दिया कि ए उन्होंने कहना अपने को रखो, बस ऐसे कर दिया गुरु जी ने। सो मींस गुरु जी ने वो इसलिए, मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी कष्ट उनको आना है वो स्मूथली उनको ओवरकम कर ले,
उनको लाइफ नहीं दे सकते होंगे या नहीं होगी उनकी लाइफ, तो वो 2-3 महीने रहे अंकल, उसके बाद उन्होंने प्राण छोड़ दिए। और उसके बाद जब उनके अंत समय आया तो गुरुजी की फोटो स्वरूप जो है उनके जेब में पड़ी हुई थी, तो संगत जी उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो किसी एक ने कहा कि इनके देखो कपड़ों में कुछ है तो नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो जैसे ही किसी ने उनके शर्ट देखी तो शर्ट में गुरुजी की स्वरूप था छोटा सा। तो जैसे ही वो निकाला, अंकल ने प्राण त्याग दिए बड़े बड़ी स्मूथली। सो कहने का मतलब ये है कि जहां गुरुजी हमारे साथ हो तो उनके पास यमराज भी नहीं आ सकता था, उनके प्राण भी नहीं निकल रहे थे। तो हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं, सारे कष्ट बड़े स्मूथली निकाल देते हैं। सो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, गुरु जी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐसे। और बस सिर्फ हमको उनको फॉलो करना है, उनसे प्यार मोहब्बत करनी है गुरु जी से। गुरु जी सिर्फ हमसे प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। तो अभी टाइम है, एक दो शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे अंकल को एक बारी संगत जी गिंगरीन होगी पैर में, पैर में पस निकल रही थी तो गिंगरीन हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये अंगूठे में वो है, अंगूठा कटेगा और अगर ज्यादा फैल चुका होगा तो पैर भी कटेगा। तो हम बहुत परेशान थे, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव गए और वहां जाके बैठे हुए थे। तो इन्होंने कहा गुरुजी, अंकल भी बहुत गुरुजी के साथ अटैच्ड हैं, वो बहुत मानते हैं गुरुजी के साथ। सो अंकल ने कहा गुरुजी पैर नहीं कट, अंगूठा नहीं कटना चाहिए था, मैंने मेरा उंगली अंगूठा कट जाएगा तो मैंने बड़ा दुख होगा। सो हम तुसी देख लेना। गुरु जी कहते होते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन, लोग कहते हैं हमारे लिए अरदास करो, क्यों अपने आप करिए गुरु संगत जी, आप डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है गुरु जी से, डायरेक्ट करिए अरदास, और अरदास भी करने की जरूरत नहीं, गुरु जी तो सब जानते हैं, माता देखिए गुरु जी हमारी प्रॉब्लम जानते हैं। सो इतनी सी बात सोची अंकल ने, तो वो डॉक्टर बोला कि एक एक्सरे निकलवा लाइए इनका। मैं तो मैंने अंकल के पैर का एक एक्सरे निकलवा लाई और फिर वो बोला कि ये एक्सरे लेके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लिया। हम वो रिपोर्ट लेके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डॉक्टर को फोन किया जो डायबिटीज वाला था, कहता है कि देखो इनकी ना ये बोन अंगूठे की गल गई है, आप उसको थोड़ा सा कट लगा के बोन निकाल के फेंक दो, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं जो जब फुटबॉल खेलते हैं तो उनकी अक्सर ऐसे बोन्स टूट जाती है और गल जाती है और हम लोग ऐसे ही निकाल देते हैं उनकी बोन। तो डॉक्टर ने बोला बट फॉर शुगर पेशेंट्स तो एक ही इलाज है कि उस पार्ट को काट के फेंक दो। उसने कहा दैट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, एक ट्राई तो मारो। तो फिर डॉक्टर ने बोला क्योंकि ओटी में जाओ तो खर्चा होता है एक बारी, तो डॉक्टर ने पूछा कि वुड यू लाइक मी टू ट्राई वंस। तो हमने कहा हाँ हाँ करिए, आप ट्राई कर लीजिए एक बार, ये देख लेते हैं, ये तो सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, यू कैन इम्प्यूट दैट, उसको काट के फेंक सकते हैं। सो डॉक्टर ने हमें नेक्स्ट डे बुलाया ओटी में, अंकल के अंगूठे में थोड़ा सा कट डाला, वो जैसे डॉक्टर ने बोला था उनकी गली हुई बोन निकाल के फेंक दी। सो इस बात को 7-8 साल हो गए संगत जी, मेरे अंकल का अंगूठा ठीक हो गया। सो ये है गुरुजी, गुरुजी ने, गुरुजी सबकी बात सुनते हैं, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, उनका अंगूठा ठीक हो गया बिल्कुल, और कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि अंगूठा कटेगा या कुछ करेगा क्या या नहीं करेगा। एंड बाकी जरूरी नहीं है, हमें नहीं मालूम हम कितने जन्मों जन्मांतरों से गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए। एक मेरी फ्रेंड है, सो आई सॉ हर इन गुरुजी सत्संग, सो आई टोल्ड हर कि तुम कब से आने लगी यहाँ। तो वो बोली कि मैं तो बहुत आती थी मेरे अंकल के साथ, मेरे अंकल बहुत गुरुजी को मानते थे, फिर उसने अपना सत्संग सुनाया, मैं एक छोटा सा उसका सत्संग सुनाती हूँ। उसके अंकल को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम थी और उसकी सर्जरी, उनकी सर्जरी हो। सो व्हेन ही वाज टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर, उनका कुछ आई थिंक क्लोराइड था वो कम था, तो डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी नहीं हो सकती है, पहले हम उसको क्लोराइड को बढ़ाएंगे, कुछ इंजेक्शन या मेडिकेशन देके उसके बाद इनकी सर्जरी। तो ओटी में से ही वाज शिफ्टेड बैक टू द रूम,
उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने जो भी मेडिकेशन लेनी थी दी, और नेक्स्ट डे फिर उसकी सर्जरी होनी थी। तो वो आंटी बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या हुआ, अभी सर्जरी हो जानी थी, अब रेफर उन्होंने रेफर कर दी आगे नेक्स्ट डे कर दी। तो आंटी बहुत परेशान हो गई। तो एक आंटी उनकी फ्रेंड आई और वो गुरुजी का स्वरूप दे गई, वो गुरुजी के लिए रख ली, हमारे गुरुजी तो है इसको अपने अंकल के पास रख दे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। अब अंकल जी वो फ्रॉम असरदार फैमिली और वो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। उन्होंने कहा, आंटी ने कहा कि मैं अगर ये रखूंगी तो अंकल कहीं गुस्सा ना करें कि क्यों कौन किसको तूने रख दिया यहाँ। तो आंटी ने उन अंकल को बिना बताए उनकी पिल्लो के नीचे गुरु जी का स्वरूप रख दिया। नेक्स्ट डे अंकल को दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, उनकी फिर सर्जरी हुई ठीक ठाक, वो वापस आ गए। और जनरली सर्जरी के बाद आईसीयू में रखते हैं एक रात, पर उनको एक दो घंटे रख के रूम में शिफ्ट कर दिया। अब रूम में शिफ्ट करने के बाद सुबह बेडशीट बदलने के लिए आया, उन्होंने अंकल को कुर्सी पे बिठाया, जैसे ही पिल्लो उठाया पिल्लो के नीचे से गुरु महाराज की फोटो दिखी, तो रूप निकला। तो जैसे ही वो निकला नीचे वो मिला, तो वो अंकल पूछते हैं कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये मेरी फ्रेंड के गुरु जी। अरे ये कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा कि ये अब इस दुनिया में मीन्स ये वाला मनुष्य चोला छोड़ चुके हैं, इन्होंने समाधि रूप ले लिया है, तो ये नहीं है। उसने वो कहते हैं मैं तो मान ही नहीं सकता ही नहीं, ये तो कल रात को मेरे रूम में आए और मेरे से बातें करके गए हैं। वो अंकल गुरु जी के बारे में जानते भी नहीं थे, गुरु जी के बारे में नहीं जानते थे ये कौन है, गुरु जी फिर भी उनको दर्शन देके उनको ब्लेस करके गए और फिर अंकल का सर्जरी। सो हम कहते हैं हम इस सन में जुड़े, इधर हमें कुछ नहीं मालूम गुरु जी कब से, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ रखा है, हम कब से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें कुछ कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। सो मैं तो ये कहूंगी कि ठीक है दवा काम करती है, उसके साथ गुरु जी की ब्लेसिंग ज्यादा काम करती है। मुझे तो अगर मैं आज सत्संग कर रही हूँ, गुरु जी ने न्यू लाइफ दी है तभी कर रही हूँ, ये तो आज मैं नहीं होती। अभी मैं लास्ट ईयर इसी साल जनवरी फरवरी में सिडनी गई, मेरे बच्चे सिडनी मैंने बोला आपको रहते हैं, तो मैंने बस एक ही मैं वहां बैठी थी तो किसी को व्हाट्सअप कर रही थी, मेरे बेटे ने देख लिया, इसने पूछा कि होप इंजॉइंग विद किड्स, तो मैंने लिखा यस आई एम इंजॉइंग विद किड्स बट माई आई मिसिंग गुरु जी मंदिर एंड सत्संग, क्योंकि अब ऐसी वो हो गई है लाइफ कि बिना सत्संग के और बिना मंदिर जाए ऐसे लगता कि कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं बहुत कुछ मिस कर। सो बेटे ने देख लिया, उसने बोला चलो मामा मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ, तो वहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है गुरु महाराज का, तो मुझे लेके गया। और आजकल तो हर जगह संगत है, पूरे वर्ल्ड में है, तो वहां भी काफी संगत है गुरु जी की। तो हम जैसे ही मैं मंदिर मंदिर गई तो मैंने एक ही अरदास करी, मैं क्या गुरु जी मेरे बच्चे नु जोड़ो अपने नाल, बस मैंने और कुछ नहीं चाहिए था। तो संगत जी किसी के लिए भी कहना हो तो यही कहना चाहिए कि उसको जोड़ो, जब वो जुड़ जाएंगे तो गुरु जी अपने आप उनको ब्लेस करेंगे। तो बेटे जो है वो तो गुरु जी को बहुत मानते हैं और गुरु जी से मिले हुए हैं, गुरु जी के बारे में जानते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ से थोड़ा वो करके ना कि वो लोग बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, तो वो अपने छुप के पर्स में गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, हाथ जोड़ते हैं सब करते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। तो मैंने बोला कि गुरु जी अपने बच्चों जोड़ो ना अपने नाल, उन्होंने बुलाओ अपने मंदिर, इतना ही मैंने कहा और मेरा बेटा मेरे को मंदिर लेके गया। एंड संगत जी वो फर्स्ट टाइम मंदिर गया, जब आई डोंट नो कहां से कोई आया मेरे बेटे को एक बहुत एक छोटा सा एक डिब्बा देके गया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा केक का लोफ था पीस था, और बहू को मिठाई का डिब्बा था उस छोटा सा, उसके अंदर दो लड्डू और दो बर्फी के टुकड़े थे। सो माय सन ही म्यूज ना कि गुरु जी का प्रसाद मेरा है तो मेरा है, तुम्हारा तो तुम्हारा, किसी के साथ शेयर नहीं करना। सो मैंने और मेरे अंकल ऐसे मुड़के दिए, तुम्हें प्रसाद का डिब्बा मिला, हमारा प्रसाद कहाँ है? बोला मम्मी पता नहीं किसी को भी नहीं मिला, बस हम दोनों को मिला।
तो वो दोनों बच्चों को प्रसाद मिला एंड फिर उन्होंने वो प्रसाद खाया। आई डोंट नो गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी एंड दे वर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड। सो गुरु महाराज ने अभी उनको एक बेटे से ब्लेस किया एंड वो मानते हैं कि हमने वो उस दिन जो हमें पता नहीं कौन प्रसाद दे के गया था उस दिन से मीन्स उसके बाद उसने मेरी डॉटर इन लॉ ने कंसीव किया एंड दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मैं इसलिए कर रही हूँ शेयर कि गुरु जी कहते हैं कि अगर कुछ से ब्लेसिंग्स हो तो हमें सबसे शेयर करनी चाहिए। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने उनको बच्चों को अपने साथ जोड़ा और अब वो कहते हैं कहते हैं कि हमें गुरुजी ने बेबी दिया एंड बड़े बेटे को भी बड़ा बेटा भी जाना शुरू किया वो भी उसकी उसकी भी वाइफ वो लोग भी चाहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं एंड जाना शुरू कर रहे हैं। जुड़े तो हुए हैं गुरुजी से। अगर मैं हम लोग मंदिर जाते हैं तो बच्चे अपने आप ब्लेस्ड हैं बट ठीक है अगर वो भी चाहे तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चों को गुरुजी ने बुलाया और अपने साथ जोड़ा। सो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना एंड बस मैं यही कहूंगी कि संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ के रहिए उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए इधर उधर की बातें मत सुनिए वहम में मत पड़िए। मैं देख रही हूँ लोग आजकल कैसे कैसे सत्संग कर रहे हैं खूब। गुरु जी तो बिल्कुल सिंपल गुरु जी ने सत्संग करने जो बताया है बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बताया है। तो ठीक है मैं ये भी कहूंगी जैसे अच्छा लगता करे क्योंकि गुरु जी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और जो आपको अच्छा लगता है वो करो लेकिन हमें दायरे में कायदे में रह के करने चाहिए एंड गुरु जी से जुड़िए गुरु जी के मंदिर जाइए सत्संग पे जाइए गुरु जी को मानिए गुरु जी से मांगिए नहीं कुछ भी एंड हर वक्त सोते जागते गुरु जी का शुक्राना कीजिए। बस मैं इतना ही आज इतना ही सत्संग करूंगी एंड शुक्राना गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना सब पे अपनी जैसे हम पे सब पे अपनी कृपा बनाए गुरु महाराज। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कोई गलती हो तो माफ करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी।